मैदान तैयार था, शाकिन पुरजोश, लेकिन क्रिकेट फैंस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज मंसूख। पीसीबी के मुताबिक न्यूजीलैंड बोर्ड ने सिक्योरिटी अलर्ट पर यकतरफा सीरीज मंसूखी का फैसला किया। शायकीन को स्टेडियम में दाखिल ही नहीं होने दिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद को सियाचिन का दौरा मंसूख करके लौटना पड़ा। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज और सिक्योरिटी सूरत हाल पर पॉलिसी बयान देंगे। वजीर आजम इमरान खान का न्यूजीलैंड की वजीर आजम से राबता, टीम को बेहतरीन सिक्योरिटी की फराहमी की यकीन दहानी। चार दिहाइयों के बाद अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम का मौका आया है। खून खराबे के बगैर इख्तदार की मुंतकली हुई। वजीर आजम इमरान खान का दुशंबे में खिताब, कहा अफगानिस्तान को मौशी तौर पर मुस्तहकम करना एक और बड़ा चैलेंज है। अफगानिस्तान का अमन खित्ते का अमन है। आलमी बरादरी मुश्किल सूरत हाल में अफगानिस्तान की मदद करे। इशू से तवज्जो हटाने के लिए ये असाइनमेंट दी जाती है, जिनको असाइनमेंट दी जाती है और वो फिर उस पर बात करते। जावेद लतीफ के समा को इंटरव्यू ने तूफान उठा दिया। शरीफ खानदान में इख्तलाफ। शहबाज शरीफ ने जावेद लतीफ को शोकॉज नोटिस देने का कहा। बड़े मियां साहब की फौरी शोकॉज न देने की हिदायत। इसी इंटरव्यू की वजह से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पार्टी मीटिंग्स में शरीक नहीं हुए। कोई कहे के नेशनल इश्यूज पे आज सियासत नहीं हो रही, ये तो ख्वाजा आसफ कहते हैं, ये तो उन्होंने कहा। तो फिर मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ असूल की वजह से ही तो आज कैद भी काट रहे हैं, आज सजा याफ्ता भी हो चुके हैं, उनकी जमात जो सारी है वो मुसीबत में है। और वीजे मिल गए, डॉक्टर भी रेडी। उमर शरीफ के इलाज के लिए अमेरिका जाने की तैयारियां मुकम्मल। एयर एम्बुलेंस कल तक कराची पहुंचेगी। उमर शरीफ, तिब्बी अमले के अलावा फैमिली के दो अफराद भी साथ सफर कर सकेंगे।